जो खबर कल आई, नाथुला इलाके में जबरदस्त हिमस्खलन कल हुआ था। आज सुबह एक बार फिर यहां पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब एवलांच आया था, हिमस्खलन हुआ था, 7 पर्यटकों की उसमें मौत हो गई थी, 13 घायल हुए हैं। आपको बता दें, मृतकों में 3 नेपाल से, 2 यूपी से और 2 बंगाल से हैं। जो राहत और बचाव अभियान कल चलाया गया, उस टीम ने बर्फ में फंसे हुए 27 लोगों को बाहर निकाला था, जिनमें से 20 लोगों को ही बचाया जा सका, उनकी ही जान बच पाई, 7 की मौत हो गई। कल शाम राहत और बचाव का अभियान रुक गया था मौसम खराब होने के चलते। आज सुबह 8 बजे एक बार फिर से उस अभियान की शुरुआत की गई और बताया जा रहा है कुछ लोग लापता हैं। राज्य सरकार की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। विशेष गरी जुन घटना जुन 13 माइलमा घट्यो या चम्बुमा जाँदाखेरि, यसको लागि म विशेष गरेर म एकदमै दुःखी छु। अनि यसमा धेरैजना रेस्क्यु गरिसक्यो हाम्रो राज्य सरकारको टिमले अनि एनडिआरएफको टिमले। विशेष गरेर म दिल्लीमा थिएँ र दिल्लीमा हुँदाखेरि जस्तो म दिल्ली एयरपोर्टमा आइपुगेँ त्यस्तै मैले चाल पाएँ। अनि चाल पाएपछि मैले तुरुन्त मैले विशेष गरेर प्रशासनलाई मैले खबर गरेँ। अनि त्यस्तो प्रकारले डिसिसलाई अनि एसपिसलाई अनि हाम्रो स्वास्थ्य विभागका सचिव महोदय अनि एमएसलाई सबलाई हामीले एलर्ट गरिहाल्यौँ अनि होम सेक्टरलाई एलर्ट गऱ्यौँ कि जसरी पाए पनि हुन्छ, जो घटना घट्यो यसमा हामीले रेस्क्यु चाहिँ झट्टै भन्दै झट्टै हामीले पठाउनुपर्छ भनेर हामीले मैले उहाँबाट नै मैले द एनडिआरएफ टिम स्टेसन एट पाक्योङ हेज अल्सो बिन रिक्वेस्टेड टु असिस्ट द सर्च एन्ड रेस्क्यु अपरेसन टिम। This is just to account for if there are any missing tourists, and if there are any, we will do the search and rescue operations again. And any person, I would like to request all that if they have any information on any of the person who seem to be missing, they can contact the helpline number and provide us the information. We will try. As of now, the information we have that the tourists have been accounted for. But to be doubly sure, we will again do a small search, proper search and rescue operations. और इस वक्त हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतनदीप, क्या अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हो सकते हैं? क्या क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए, आज सुबह से फिर से जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव की ऑपरेशन है, उसको शुरू किया गया है। मगर ये जो ऑपरेशन अभी चल रहा है वो जिस इलाके में कल ये अवलांचे हुआ था तो उसी इलाके में हो रहा है और उसके आसपास के इलाके में हो रहा है। ये जो इलाका है जहाँ पे ये जो अवलांच हुआ था कल, ये इलाका 15 माइल से 13 माइल के बीच है। तो और ये इलाका एक मिड पॉइंट के जैसे देखा जाता है, गैंगटॉक और नाथुला पास के बीच। नाथुला पास जो कि ईस्टर्न सिक्किम में चाइना का बॉर्डर है, उस इलाके में जो बहुत हाई एल्टीट्यूड है और वहाँ पे सैलानियों की भीड़ रहती है जब भी, क्योंकि बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। छांगू लेक बहुत सुंदर दृश्य वहाँ पे लोगों को मिलता है, इसलिए सैलानी का एक अट्रैक्शन वहाँ पे हमेशा एक हॉटस्पॉट के रूप में देखा गया है। मगर कल जो घटना घटी है, वो घटना जहाँ पे घटी है वो एक मिड पॉइंट इलाका है जहाँ पे कि जो स्नो लाइन जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से आपको बर्फ दिखेगा, ऐसा एक इलाका है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कुछ सैलानी थोड़े ऊपर चले गए थे, जिस इलाके तक पास दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है पिछले एक महीने से, इसलिए अब नाथुला पास तक लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, चांगू लेक तक जाने नहीं दिया जा रहा है, जहाँ तक बर्फबारी कम है वहाँ पे दिया जा रहा है। और कल जो आई विटनेस थे उनके हिसाब से भी कुछ लोग थोड़े ऊपर थे और वो बर्फ़ के साथ खेल रहे थे, फोटो तस्वीरें खींच रहे थे। और ये जो जो अवलांच हुआ है ये एक गॉर्ज जैसा है, उसके ऊपर से हुआ है, तो क्योंकि वो सूखा हुआ था पूरा स्नोफॉल के कारण, तो इसके कारण उस इलाके में ये अवलांच हुआ। और इसमें 7 लोग मारे गए हैं, 3 लोग नेपाल से हैं और बाकी 4 भारतीय हैं, इसमें एक बच्चा भी है। 13 लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। मगर आज जो फोकस है वो है कि जो पहले खबर थी 20 से 30 लोग मिसिंग है, तो जितने लोग इनिशियल स्टेज में मिसिंग हैं उन सब का अकाउंट हो चुका है, वो सब काउंटेड हो चुके हैं। मगर उनके ऊपर भी, उनके जो लोग जो रिपोर्ट हुआ है उसके बाहर भी क्या कोई सर्वाइवर वहाँ पर है, या फिर कुछ लोग फंसे हुए हैं, या फिर लोग बरीड हैं स्नो के नीचे, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम
जो बर्फ़ का आके गिरा था उसके नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं या नहीं, इसकी एक फिर से जांच करने के लिए, इसमें एक खोज करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो श्योर हो पाए। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सभी जुटी हुई है। कल शाम को जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रोका जाना पड़ा, क्योंकि फिर से एक छोटा सा स्नो स्लाइड हुआ उस इलाके में और जो एक्सिस है जो उस रास्ते का वो बंद हो चुका था, और आज सुबह बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने उस बर्फ़ को हटा के वो रास्ता खोला, इसके बाद ही सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे हो पा रहा है। उस तरफ अब टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जा रहा है, मगर सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि उसकी जो इनकम है, रेवेन्यू जनरेशन है, वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, तो कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर भी एक असर पड़ेगा। राज्य सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं, जो लोग साथ आई है वो ज़्यादातर वो सब पर्यटक थे, और जैसा कि आपने बताया टूरिज्म पर डिपेंड करता है, ये एक पर्यटन स्थल भी है। क्या यहाँ कोई कोताही भी बरती गई है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं जिस इलाके तक जाया जाता है उससे आगे सैलानी पहुंच गए, तो वो कैसे पहुंच गए, क्योंकि बकायदा यहां तो एक पर्ची कटती है जो जो सैलानी उस जगह पे जा रहा है। देखिए, अगर उस इलाके की हम बात करें, जो सिक्किम के जो सबसे बड़े टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं वो नॉर्दर्न सिक्किम, द नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम में ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों इलाके हाई ऑल्टीट्यूड में हैं। तो पिछले एक महीने की अगर हम बात कर ले तो ज़्यादा बर्फबारी नॉर्थ सिक्किम में हुआ, ईस्ट सिक्किम में भी बर्फबारी हुई, स्नोफॉल हुआ, और पिछले एक महीने में बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़े इंडियन आर्मी और बॉर्डर रोड्स को, जहाँ पे कि लोग जब टूरिस्ट जो सैलानी आगे गए थे वो लोग बर्फबारी के लिए फंस गए। तो बर्फबारी से पिछले एक महीने में करीबन 1500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं, मगर इस बार जो हुआ, इस बार ये एवलांच आया, और इस बार एवलांच जो आया ऐसे जगह पे आया जो कि जो अगर आप पूरे इलाके को, इस सिक्किम का जो टूरिज़्म सर्किट है उस पूरे इलाके को देखें, तो ये एक अगर कंपेयर करें हम नाथुला या फिर चांगू लेक से, उससे नीचे के ग्रेडियंट में है, उससे नीचे के अल्टीट्यूड में है, और जिस इलाके को सेफ माना जा रहा था, इसलिए ही वहाँ तक कल जो पास दिया गया था 15 माइल। बिल्कुल, यहाँ किसी ने भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा हिमस्खलन आ जाएगा, क्योंकि स्नोफॉल तो काफी वक्त से हो रहा था, लेकिन एवलांच आ जाएगा, हिमस्खलन आ जाएगा, उसकी चपेट में टूरिस्ट आ जाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नदीप चौधरी पूरी जानकारी के लिए।